कह रहा हूं मैं बिल्कुल भाजपा ज्वाइन कर लूंगा महाराज, आज अभी इसी वक्त इस मैसेज के नीचे मेरा 1,500,000 वाला भी मैसेज आ जाए महाराज, तुरंत है मैडम, तुरंत है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं भाजपा का अच्छा कार्य करता हूं। काली मिर्च गोरी हो सकती है, गरम मसाला एक बार ठंडा हो सकता है, लेकिन जिनके दिमाग में वो गोबर भर गया है ना, गोबर की कोनो सफाई नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, अभी अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। एक आदमी IIT बनाता है, एम्स बनाता है, यहाँ पे लेडी हार्डिंग बनाता है, हमारा स्कूल बनाता है, हमारे गोंडा में कई अस्पताल बना देता है, उस आदमी ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। और भाजपा वाले ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं कि हमने शौचालय बनाया है, इज्जत घर बनाया है। किसी ने कहा था कि वो चूनर धानी धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते, अगर वो 4 दिन आके हमारे गांव में रह जाते तो ये सारी लमतारानी भूल जाते। उत्तर प्रदेश में पुलिस से डर लगता है, बिहार में चले जाइए अपराधियों से डर लगता है, हरियाणा में चुनाव है, मैं जाऊँगा, डरता तो नहीं हूँ, मैं जाऊँगा, हरियाणा में मुझे गौरक्षकों से डर लगता है। खैर, बद्धी भी बंधी हुई है और शिखा भी बहुत बड़ी है, तो मैडम हो सकता है कि हम सुरक्षित रहे, बाकी वर्तमान सरकार में डर लगता है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। देखा जाए कि राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे और वहां पर तमाम बयान दिए, लेकिन उसके बाद भाजपा यहां पर लगातार उन्हें घेरते हुए नजर आ रही है, आरक्षण के मुद्दे पर घेर रही है, लगातार उन्हें देशद्रोही यहां पर कहा जा रहा है। और अब देखा जाए तो जो सिख समुदाय है वो यहां पर राहुल गांधी के आवास के बाहर भी पहुंचा और लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि यहां पर राहुल गांधी ने जो भी टिप्पणियां की वो देश की कहीं ना कहीं इमेज गिराने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, अब देखिए सिख समुदाय जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाहर जाके देश की बेइज्जती कराते हैं। देखिए मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान था कि मैंने पता नहीं कौन से कर्म किए थे कि मैं भारत में पैदा हुआ, ये प्रधानमंत्री जी का बयान था। राहुल गांधी जी विदेश में भी जाकर वास्तविक मुद्दों पर बात रखते हैं। अभी उन्होंने बेरोजगारी पे बात की कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है, मतलब भारत में बहुत ज़्यादा, देश का 83% से ज़्यादा युवा बेरोजगार है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं, शायद मोदी जी भी जानते हैं, वो तो नहीं जानते, वो जानते तो रोजगार दे देते। उनका वादा था 2 करोड़ रोजगार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने में असमर्थ रहे, राहुल गांधी जी उन मुद्दों पर बात करते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का भी कंगना रनावत एक सांसद हैं, उन्होंने कहा जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी जी लगातार जातीय जनगणना की बात करते हैं। अभी मोहन भागवत RSS प्रमुख, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए कि जाति देख के मारा जाता है, दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, जाति के आधार पर घर गिराया जाता है, उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं आई हैं, अभी जल्दी में मंगेश यादव, तो आप बताइए कि जाति के आधार पर तो भेदभाव होगा लेकिन जातीय जनगणना क्यों नहीं होगी? जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक हम लोग लगातार बोलते रहेंगे। मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जातीय जनगणना नहीं करवाते हैं तो देश का अगला प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाने के लिए बहुत तैयार। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लगातार एक के बाद एक नेता ये कह रहे हैं कि जो सिख थे वो परेशान थे, उनके घर यहाँ पर जला दिए गए थे, 3,000 से ज्यादा सिख मारे गए थे कांग्रेस के समय पर, राजीव गांधी जी के समय पर, और यहाँ पर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि BJP के समय पर सिख परेशान है। मैडम बताइए कि जो उस समय हुआ उसके प्रति सहानुभूति है, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आज बताइए कि सिख समाज को आज क्या बोला जाता है? अगर वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो आज उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आप बताइए, किसान सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा का आता है, सिख भी किसान होता है मैडम, किसान का कोई जाति नहीं होती है, वो ओझा भी किसान हो सकता है और आप भी किसान हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपकी भी 2 पीढ़ी पहले किसान ही रही हो, और हमारे बाबा दादा और पिताजी आज भी किसानी करते हैं। वो लोग अपने हक अधिकार की जब बात करते हैं तो वर्तमान सरकार उनको खालिस्तानी बोलने का काम करती है कि नहीं करती है? आप बताइए कि दलित समाज को अगर वो अपने हक अधिकार की बात करता है तो उनको नक्सलवादी बोल दिया जाता है, अगर मुसलमान अपने हक अधिकार की बात करता है तो उनको आतंकवादी बोल दिया जाता है। आखिर मैडम, हम लोग अपने हक अधिकार की बात किससे करें? देश है, देश में लोकतंत्र है, धरना प्रदर्शन विरोध सरकार का या सत्ता किसी का भी करने का अधिकार है, लेकिन आज के समय पर अगर कोई करता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। देखिए ना, कंगना रनौत ने इसी बात पे तो बोला था कि वो जो किसान बैठे थे वो किसान तो थे ही नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने कंगना रनौत का नाम लिया, हमारे धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि उनकी शकल देखने से पाप लगता है और उनका नाम लेने से भी पाप लगता है, हम लोग उन पर बात करना उचित नहीं समझते हैं। मैडम, कोई दूसरा मुद्दा है तो बात कीजिएगा। आरक्षण पे बात कर लेते हैं, यहाँ पर राहुल गांधी ने तमाम बयान दिए थे आरक्षण को लेकर, लेकिन यहाँ पर BJP ये जता रही है कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं देश में। मैडम, आप बताइए कि जो 24 घंटा संविधान बचाने की और आरक्षण की बात कर रहा हो, 50% आरक्षण की बात कर, वो आरक्षण को ख़त्म करने की बात करेगा?
आरक्षण को तो वर्तमान सरकार खत्म करना चाहती है। आपको याद होगा इनके कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा था कि 400 पार दे दीजिए, संविधान बदलना जरूरी है। संविधान बदलने की ये बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको आरक्षण खत्म करना था। तो ऐसा अभी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ पर एक बयान दिया है कि 400 की बात करने वाले यहाँ पर 292 पे, 240 भी नहीं आई मैडम, 292 कहाँ कर रही है, 240 भी पार नहीं। 40 जी। अगर वैसे देखा जाए तो गांव के भाषा में कहा जाए लंगड़ा, लंगड़ी समझते हैं ना, लंगड़ी सरकार है और लंगड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है। और अब तो मौसम भी मैडम बेकार हो रहा है, मतलब मिजाज बदल रहा है, तो माहौल बन गया है। 25 के बाद में एक नया प्रधानमंत्री हमारे देश में आएगा जो जातीय जनगणना करवाएगा। सारी चीजों से हरियाणा भी विधानसभा चुनाव है, तारीख बहुत नजदीक है, इस पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मैडम मैं बिल्कुल बता दूं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दो जगह चुनाव है अभी जल्दी में, फिर महाराष्ट्र और झारखंड में भी है, चारों जगह भारतीय जनता पार्टी इस बार हारने जा रही है। और दो राज्य जो अभी हो रहे हैं बिल्कुल इसी समय, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है। क्योंकि हरियाणा की, मैडम आप बोल लीजिए या मुझे ही बोलने दीजिए, हरियाणा की बेटियों को जिस प्रकार से दिल्ली की पुलिस से लड़वाया गया, दिल्ली की पुलिस से कुश्ती करवाई गई, अब हरियाणा की जनता अगर ये पहुंचेंगे तो हरियाणा की जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। हरियाणा में 37% से ज़्यादा बेरोजगारी है और भाजपा सरकार वहाँ पे 10 साल से है, कुछ करने को तैयार नहीं है। आखिर मैडम कब तक युवाओं के साथ में कब तक ये छलावा करते रहेंगे? मैं एक पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, मैं भी बीए कर रहा हूँ राजनीति शास्त्र से, और आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर पढ़े लिखे होते तो वो हमारे कलम पर और किताब पर टैक्स न लगाते। कलम पर 18% की जीएसटी और स्टेशनरी पर 12% की जीएसटी लगा देने वाला अगर कोई आदमी है तो नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले शिक्षा पर टैक्स नहीं हुआ करता था, और यहाँ तक तो मैडम छोड़ दीजिए जो कपड़ा पहने हैं ना इस पर भी टैक्स लग गया है, और यहाँ तक कि कफन पर भी टैक्स लग गया है, मतलब हर चीज पर टैक्स। ये जो हम लोग पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, इस पर भी टैक्स लग गया है। मैडम सवेरे उठते हैं मंजन करते हैं ना पेस्ट, उदंत कांति का पेस्ट करते हैं उस पर भी जीएसटी, नहाए पानी पर भी जीएसटी, और फिर कपड़ा पहने उस पर भी जीएसटी, तौलिया से देह पूछा उस पर भी जीएसटी, और घर में रोटी खाया उस पर भी जीएसटी, और फिर रात में पंखा चला के सोई उस पर भी जीएसटी। मैडम कलेजे में इतना जेब में पैसा नहीं बचा और कलेजे में हिम्मत नहीं बची है कि हम और जीएसटी दे पाए। मैडम जब जीएसटी वीएसटी की बात होती है ना तो हाथ वाथ कांपने लगता है, हम गरीब के बेटे हैं। अगर किसी ने कहा था कि वो चूनर धानी धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते, अगर वो चार दिन आके हमारे गांव में रह जाते तो ये सारी लमतरानी भूल जाते। मैडम आप बताइए कि हमारी वित्त मंत्री जी कहती हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, आप बताइए आटा तो सब खाता है ना मैडम, आप प्याज पे और लहसुन पे टैक्स लगा दीजिए, अनुराग ओझा को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैडम आप बताइए कि दूध पे टैक्स, दही पर टैक्स, रबड़ी पर टैक्स, और माफ कीजिएगा मैडम मैं उस शब्द को बोलना नहीं चाहता था, मरने के बाद में हमारे कफन पर भी जीएसटी लगा देने वाली अगर कोई सरकार है तो ये वर्तमान सरकार है। ये मैडम कब तक होता रहेगा, कब तक? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक समय पर फॉलो करता था, मैं जानता था कि इनके जैसा प्रधानमंत्री इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके 2014 से पहले का जो भाषण था वो कहते थे कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, ये आप बोल रही हैं बढ़िया है, मोदी जी कहते थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री जी के जुमले थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नाराओं को भूल चुकी है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मैडम आप बताइए, आप लोग कुछ मीडिया के बंधु आप लोग भी हो सकते हैं, उसमें दिखाते हैं कि 18-18 घंटे काम करते हैं। आप सोचिए मैडम कि बेचने वाला आदमी अगर 18 घंटा काम करता है तो जिसने आईटी और पता नहीं क्या क्या इस देश में बना दिया वो आदमी ने कितना घंटा मेहनत किया होगा, ये बात पूछता है भारत, कितना काम किया होगा। लेकिन उस सरकार से जो पहले की सरकार थी, आज भी मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पिछले 10 साल का हिसाब मांग रहा हूँ कि आपने कहा था कि ना डीजल पेट्रोल 35 रुपये में चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो भाजपा को वोट दे, बेटियाँ गहना लाद के आधी रात को घूमेंगी, बोला था ना भाजपा वालों ने। हमारे उत्तर प्रदेश में जयशाह का पापा गया था भैया, उत्तर प्रदेश में हमारे जयशाह का पापा गया था, बोला ऐसा कानून व्यवस्था लाएंगे कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद के घूमेंगी। आज मैडम उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या हो रहा है आप भी जानते हैं, मध्य प्रदेश में भी जल्दी में मैडम भगवान शिव की जो नगरी है महाकालेश्वर, उसी के सामने भिखारी के साथ में कर दिया जाता है उज्जैन में। और हमारे हम तो राम को मांगने वाले हैं, गोंडा अयोध्या से आते हैं, भगवान राम ने कहा कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा शिव समान मोहि प्रिय न दूजा, और उसी शिव की नगरी उज्जैन में एक
भीख मांगने वाली, सोच देखिए। और मोहन यादव जी बोलते नहीं है, मैडम आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक मारा जाएगा। लगातार सवाल सरकार से आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अभी देखा जाए, मैं किससे सवाल पूछूं, राहुल गांधी से पूछूं या अखिलेश यादव से पूछूं? सरकार जवाब कहाँ दे रही है फिर? मैडम झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हमारे दिनकर साहब ने लिखा था कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो एक न एक दिन, एक न एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनुराग ओझा की बात को सुनेंगे और जरूर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एक और चीज बताइए, यहाँ पर आपने पहलवानों की बात की थी, किस तरीके से उनके साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन उसी बीच मनोहर लाल खट्टर ये कहते नजर आए कि वो लोग तो राजनीति से प्रेरित है और राजनीति प्रेरित होने की वजह से अब राजनीति में नजर आ रहे हैं। देखिए मैडम, कांग्रेस ने विनेश फोगाट जी को टिकट दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के पेट में, जैसे मैडम होता नहीं है कि गाँव में बारात वरात में जाओ भैया तो कुछ वही मेरे खा लो रसगुल्ला वसगुल्ला ज्यादा तो पचत नहीं है, बहुत का है कालरा पकड़ लिया था। तो ऐसे ही कुछ मतलब भाजपाइयों को कालरा पकड़ लिया है विनेश फोगाट को टिकट मिलने के बाद में। आप बताइए कि जब हमारी बेटी को दिल्ली में घसीटा जा रहा था मैडम, जब हमारी बेटी को दिल्ली में घसीटा जा रहा था, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भाजपा का कोई दो चार नेता, उस समय 40 से ज़्यादा महिलाएं सांसद थी भाजपा की, और किसी ने एक शब्द नहीं बोला हमारी बेटियों के लिए। अगर वही बेटी गुजरात से होती और सरकार कांग्रेस की होती, अगर वही बेटियाँ किसी अन्य प्रदेश की होती और सरकार कांग्रेस की होती, तो मैडम ये भाजपा वाले शांत रहते। वो एक रानी थी, कोई रानी करके हैं जो सिलेंडर लेकर घूमती थी, क्या नाम था, स्मृति रानी, स्मृति रानी। वो रानी सीना ठोक ठोक के बोलती कि बहन बेटियों के बलात्कार हो रहा है तो फांसी होनी चाहिए। मैडम स्मृति रानी जी का बयान है कि अगर किसी भी जगह पे बहन बेटियों का बलात्कार होता है तो उसको मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए, फांसी दे देना चाहिए। लेकिन आप बताइए उत्तर प्रदेश में जब बहन बेटियों के साथ में रेप होता है, और आप बताइए बिहार में चले जाइए मैडम, अब तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे मुझे डर भी लगता है। मेरे ऊपर 2 मुकदमा हो चुका है मैडम, मंगेश यादव के ऊपर 8 मुकदमा था। उत्तर प्रदेश में पुलिस से डर लगता है, बिहार में चले जाइए अपराधियों से डर लगता है, हरियाणा में चुनाव है, मैं जाऊँगा, डरता तो नहीं हूँ, मैं जाऊँगा, हरियाणा में मुझे गौरक्षकों से डर लगता है। खैर बद्धी भी बंधी हुई है और शिखा भी बहुत बड़ी है, तो मैडम हो सकता है कि हम सुरक्षित रहें, बाकी वर्तमान सरकार में डर लगता है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर एक बयान देते हैं कि 400 की बात करने वाले 240 पे सिमट गए, हमारी 20 सीटें और आ जाती तो आज भाजपा के तमाम नेता जेल के अंदर होते। मैडम मैं आप फिर बता दूं आपको, राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि सरकार किसी न किसी दिन तो बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम आप बताइए कि जो 19 सीटों में 19 वोट चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का, जो 19 वोट में धांधली कर सकता है, मैडम देश के इतना बड़ा चुनाव में कितनी बेईमानी किया होगा, ये बात आप भी जानती हैं। बाकी आपके चेहरे पर स्माइल है, वो बता रहा है कितना बड़ा बेईमानी हुई होगी। ये कह रहे कि जनता हमें पहले भी पसंद करी थी, जनता अभी भी पसंद करी, आगे भी पसंद करेगी जनता। देखिए मैडम, कुछ लोग पसंद तो औरंगजेब को भी करते थे, कुछ लोग पसंद डलहौजी को भी करते थे, कुछ लोग मुगलों को पसंद करते थे, कुछ लोग अंग्रेजों को पसंद करते थे। तो ये तो भारत है मैडम, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो मैडम सबकी अपनी अपनी पसंद है। अब नरेंद्र मोदी को देश की जनता नहीं पसंद करती है, उनको ईवीएम पसंद करता है, आप जैसे पत्रकार पसंद करते हैं, और कुछ आप जैसे पत्रकार नहीं करते। मैडम देखिए, मैंने पत्रकार बोला तो आप क्यों चिढ़ रही हैं? आपने कहा आप जैसे पत्रकार। मैडम आपके जैसे सुंदर सुंदर पत्रकार वहाँ भी बैठे हैं, आपके जैसे ही सुंदर सुंदर पत्रकार वहाँ पे बैठे हैं। तो मैडम कुछ लोग हैं जो पसंद करने का काम करते हैं, और बाकी अगर देश की जनता का देखा जाए तो वो एक ही आवाज, एक ही धुन में कहती है कि भाजपा हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, सवर्ण बचाओ, भाजपा हटाओ, पत्रकार बचाओ, भाजपा हटाओ, इलेक्शन बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये देश की जनता आप कह रही है मैडम, ये अकेला अनुराग ओझा नहीं कहता है। अब देश की जनता ने ठाना है कि 25 तक किसी न किसी प्रकार से भाजपा को हटाना है। और मैडम एक चीज बता दें कि जैसे ही चार जगह पे चुनाव अभी जल्दी में होने वाला है, चारों जगह पे भाजपा हारेगी तैसे अल्पमत में चली जाएगी। अब आप सोच रही होंगी कि विधानसभा के चुनाव में भाजपा अल्पमत में कैसे जाएगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश चाचा वो तो पलटू राम है। नीतीश चाचा की बात करता है ना तो मुझे पूनम की रात याद आती है, जिसमें क्या होता है कि
एक आपने भी पढ़ा होगा पारो की कहानी है, तो उसमें क्या होता है कि एक महिला मित्र होती है उस लड़के की, और वो दोनों पूनम की रात में चंदोरिया को देख के, मतलब चांद को देख के बाहों में लिटा के अच्छी अच्छी बात करते हैं कि हमारा भी ऐसा होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, अपना भी परिवार होगा, अपने दो बच्चे होंगे, उसको यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही पूनम की रात ख़त्म होती है, जैसे ही पूनम की रात ख़त्म होती है, लड़की लड़के को नहीं पहचानती है, लड़का लड़की को नहीं पहचानता है। वो मतलब एक सपना होता है। वो पढ़ने में मुझे भी अच्छा लगा, मैंने 2-3 बार पढ़ा। ठीक, तो भाजपा ने जो जो जुमले दिए वो पढ़ने में सुनने में अच्छा लगा। देश की जनता ने कहा कि वाह, ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सिलेंडर को सस्ता करेगा, डीजल पेट्रोल को सस्ता करेगा, युवाओं को रोजगार देगा। लेकिन मैडम, हमको नहीं मालूम था कि अनुराग ओझा को अग्निवीर बना दिया जाएगा। मैडम, मैं अपनी अनुराग ओझा गोंडा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप नीचे चले जाएंगे, मैं भी एक समय पर आर्मी की तैयारी किया करता था, लेकिन भाजपा ने अग्निवीर बना दिया। अब आप बताइए कि जैसा BCCI का चेयरमैन बनने के बाद में ICC का चेयरमैन बन जाएगा, और आप बताइए कि हर आदमी पर, यहाँ पे जितना आदमी खड़ा है ना, ही सोच रहा होगा कि हमने किसी से कर्जा नहीं लिया है, हर आदमी पे 1.5 लाख से ज़्यादा का कर्जा है। मैडम, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा थोपने का अगर किसी ने काम किया है तो वर्तमान सरकार ने। क्यों, सरकार तो कहती है ना, सुनिए तो, सरकार तो कहती है जब विकास होगा तो कर्जा इसलिए आ रहा है। क्या हो गया फिर, विकास तो कर रहे हैं। विकास का नाम उन्होंने विनाश रख दिया है। काली मिर्च, काली मिर्च गोरी हो सकती है, हो सकती है, गरम मसाला एक बार ठंडा हो सकता है, लेकिन जिनके दिमाग में वो गोबर भर गया है ना, गोबर की कोनो सफाई नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, अभी अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। भाजपा को सपोर्ट कोई कर रहा है तो वो अंधभक्ति हो गई। ऐसा नहीं बोला है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं नितिन गडकरी को सपोर्ट करता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ उनको। अरे नेता नितिन गडकरी जैसा होना चाहिए जो रोडों का जाल बिछा दे, जहाँ जहाँ देखेंगे ना लमतरानी रोड बनी हुई है। और भाजपा का कौन सा विकास हुआ है, मोदी ने कौन सा विकास किया है बताइए, शौचालय बनाने का, शौचालय बनाने का। एक आदमी IIT बनाता है, एम्स बनाता है, ये हमारे यहाँ पे लेडी हार्डिंग बनाता है, हमारा स्कूल बनाता है, हमारे गोंडा में कई अस्पताल बना देता है, उस आदमी ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैंने ये काम किया। और भाजपा वाले ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं कि हमने शौचालय बनाया है, इज्जत घर बनाया है, ये शौचालय बना रहे हैं, ये सचिवालय नहीं बनाना चाहते हैं। और भाजपा वाला मैडम एक चीज़ आजकल गलती कर रहा है, ये हमारे पास मैसेज भेज रहा है कि भाजपा ज्वाइन करिए, मतलब ज़बरदस्ती। ये आप देखिए, ये आपके पास भी मैसेज आ सकता है कभी भी, तो सावधान रहिए मैडम। बताइए, भाजपा वाले इतना गिर गए हैं कि अब अनुराग ओझा से कह रहे हैं भाजपा ज्वाइन कीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भाजपा ज्वाइन कर लूंगा महाराज, आज अभी इसी वक्त। इस मैसेज के नीचे मेरा 15 लाख वाला भी मैसेज आ जाए महाराज, तुरंत है मैडम, तुरंत है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं भाजपा का अच्छा कार्य करता हूँ, तुरंत। अरे मोदी ने काम किया है, 15 लाख हमारे खाते में आए हैं, मोदी ने शौचालय बनाया है। प्रधानमंत्री जी का किन्हीं 5 काम आप बताइए जो देश हित में किया गया हो। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार, मतलब दो लोगों का व्यापार, दो खरीदेगा और दो बेचेगा। सही बात है।